नमस्कार सभी को, मेरा नाम अर्चना है। तो अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, जूस का आने वाला है और काफ़ी अच्छा था। मीशो पे 126 का मुझे पड़ा, काफ़ी क्यूट सा था। ये देखिए आप लोग, जिसका जार है बहुत क्यूट है ये, और ये जूस निकालने वाला एक मिनट है जार। इसको दो तरह यूज़ करते हैं, कैसे और ऐसे। तो मैं आपको बस आज दिखाऊंगी पहला तरीका जिससे आप गार सकते हैं सिंपली। थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो इतना कंडीशन ठीक है नहीं तबीयत की वजह से, तब प्रेशर लगा नहीं पा रही थी, पर देखते हैं कितना कर पाते हैं। मैं एक ही ट्राई की थी अनार, और भी ट्राई करती, पर देखिए मेरे में प्रेशर लगा ही नहीं पा रही थी। कितना भी करूँ अच्छे से लगेगी ना। फिर मेरा दिमाग चला गया, फिर उसमें हल्का सा कट लगा कि अनार में फिर को मैं गाई तो ये निकल गया। सिंपली बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं इसको खरीदी। इसका रिव्यू, उसका वीडियो सारा मैं देख के तब इसको ली हूँ, और मैं इससे खुश भी हूँ। ये आधे अनार का जूस है जो मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, ये आधे अनार का जूस है। और मैं इसको कट ला के गाड़ती हूँ। देखिए एक और तरीका लगाती हूँ, आप देखिएगा। बस ये देखिए ऐसे सिल्वी निकाल के ऐसे ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। देखिए मेरा सेकेंड आइडिया, देखिए ये तो कोई ट्राई किया ही नहीं होगा। मैंने पूरा ऐसे भी कर दिया, ये मैंने खुद से ट्राई किया। तो ये सिंपली है, एक ही तरीका, और एक दाना निकाल के निकाल सकते हैं आप। मैंने फिलहाल ये ट्राई किया और मैं वो काफ़ी खुश हूँ इतने जूस से। न मशीन का झंझट, न कुछ, न इलेक्ट्रिक, जहाँ लीजिए वहाँ बैठ के। ये भी स्टैंड आ गया है, देखिए इसमें स्टैंड आ जा गया है। और मैं खुद चल के थोड़ा सपोर्ट लेके यहाँ तक आई हूँ घर के अंदर, और 2 महीने 4 दिन बाद साथ में भी बता रही थी। इसी के साथ आज का ब्लॉग ही खत्म।